हेलो दोस्तों, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर के लैंड सर्वे के क्लास के अंदर, जहां पर कि हमारे पास में है सुधीर। और सुधीर ने हमें जो है ज्वाइन किया है बिहार से। बिहार से मतलब यहाँ उत्तराखंड हमारी ब्रांच में आए प्रैक्टिकली ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन की सर्वे क्लास को सीखने के लिए, सर्वे सीखने के लिए। और आज इनका थर्ड डे है। पूछते हैं सुधीर से, सुधीर ने अब तक क्या क्या सीखा? सुधीर, इन तीन दिनों में आपने क्या क्या सीख लिया है? ऑटो लेवल को लेवलिंग करना सीखा, स्टाफ पढ़ना सीखा, और बैक साइड फोर साइड मेथड सीखा, और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेजर करना सीखा। हॉरिजॉन्टल मतलब इनवर्ट हाइट मेजर करना और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल और राइज एंड फॉल मेथड। राइज एंड फॉल मेथड ये आपने प्रैक्टिकली किया। अभी आपको ऑटो लेवल में कितना टाइम लगता है लेवल करने में? एक से डेढ़ मिनट मैक्सिमम है ना। और टोटल स्टेशन से आपकी क्लास कल से स्टार्ट हो गई। टोटल स्टेशन में क्या क्या सीख लिया आपने? टोटल स्टेशन में सीखा मैनुअली डिजिटली सेंटरिंग लेवलिंग करना सीखा, और इसमें जॉब क्रिएट जॉब डिलीट करना सीखा, बीप ऑन ऑफ करने के लिए सीखा, फिर ओरिएंटेशन सीखा, और फिर टोपोग्राफी सीखा। तो ओरिएंटेशन करते क्यों है? ओरिएंटेशन करते हैं नॉर्थ डिफाइन करने के। हाँ, नॉर्थ डिफाइन करने, क्योंकि हमें पता होता है नॉर्थ हमारा कहाँ है, लेकिन मशीन को नहीं पता है, इसलिए हम मशीन को नॉर्थ बताते हैं। ओरिएंटेशन मतलब बैक साइड करना। और टोपोग्राफी को करते हैं मतलब जो भी हमारा प्लॉट है उसके अंदर के जो परमानेंट ऑब्जेक्ट हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो गाइज अभी आपको यहाँ सुधीर दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा मेथड जो है ना टोपोग्राफी को टोटल स्टेशन से। देखिए थर्ड डे में है, कैसे क्या कहते हो सुधीर, अभी इम्प्रूवमेंट है जो आप डे वन में थे और आज अगर थर्ड डे में देखे कितना इम्प्रूवमेंट अपने नजर आते हैं? काफी नजर आए, मतलब काफी चेंज हो गया ना। अभी ये तो कुछ भी नहीं, आपने टोटल स्टेशन ऑटो लेवल कुछ देखा ही नहीं था, बट अभी आप खुद से है पूरा का पूरा मेथड को खुद से कर पा रहे हो आसान से। कोई दिक्कत हो रहा है सीखने में? नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो अभी आप पूरा का पूरा जो है ना आप यहाँ पे दिखाएंगे सुधीर आपको कि कैसे जो है प्रैक्टिकली इन सेंटरिंग और लेवलिंग किया जाता है, कैसे टोपोग्राफी किया जाता है, ओरिएंटेशन किया जाता है, पूरा परफॉर्म करके दिखाएंगे खुद से। हम लोग एक बार बता देते हैं, स्टूडेंट जो है खुद से करता है पूरा का पूरा मेथड। तो गाइज अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप भी 1 फरवरी से जो है दिल्ली में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ब्रांच को जो है ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकली सीखते हैं। और वहाँ पर हम लोग ऐसी तरह से सिखाते हैं और आप कम से कम जो है टाइम में और कम से कम जॉब डिलीट और जॉब सेलेक्ट करना चाहिए। जब भी आप कोई नया काम कर रहे हैं एक नई फ्रेश जो है फाइल बनाइए और उसमें काम करिए हमेशा। एक नंबर करो। हाँ, अब ये यस कर दिया, अब ये हो गया जॉब डिलीट और जॉब सेलेक्ट करेंगे आप। जॉब सेलेक्ट ठीक, अब ये जॉब सेलेक्ट और जॉब डिलीट होगा। ओके, एंटर किया था। हाँ ठीक है, ये जॉब सेलेक्ट और जॉब डिलीट। अब जाएंगे किसमें, हमारा किसमें जाएंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले उसमें जाएंगे ना। हाँ, पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर कर लो, कर लो। पहले चूना लेके जाओ, चूना कहाँ है, पहले चूना लाओ। चूना और इंच टेप लेके आएंगे और उससे हम जो है पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएगा। तो करो मार्क, कैसे करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर? कर दिया मैंने। देखिए ये आपको लेजर दिख रहा है, तो ये जो लेजर है यहाँ पर ये जो है आपका सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये आपने सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मार्क कर दिया। अब मेजर करो हाइट, हाइट मेजर करो। अब जो है हाइट मेजर करेंगे, हाइट मेजर जो है उसी पॉइंट से करते हैं जो वो सेंटर पॉइंट है आपका, वहाँ से और इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है सेंटर पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट का, वहाँ तक हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए इस तरह से जो है आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर करना होता है। अब ये जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, इस तरह से जो है आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर करनी होती है। ठीक है, तो गाइज अब जो है हम लोग बैक साइड दिखाएं, बैक साइड के लिए पॉइंट ले रहे हैं और मशीन से 6 मीटर पे लेंगे। यहाँ से जो है ये सेंटर पॉइंट है, देखिए यहाँ सेंटर पॉइंट से हम लोग 6 मीटर पे प्लॉट करते हैं जो परमानेंट ऑब्जेक्ट होता है हमारे प्लॉट के अंदर उनको। तो गाइज ये जो है ना हमने अभी जो है ओरिएंटेशन और टोपोग्राफी जो है परफॉर्म कर दिया। अब ये मशीन को डिसमेंटल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे 3.5 घंटे हो चुके हैं इस पूरे मेथड को करते हुए प्रैक्टिकली। तो गाइज अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप लोग भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स को। और इन जो कोर्सेज हैं
इन कोर्सेज को जो है प्रैक्टिकली आप सीख सकते हैं, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर 7 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।